नरेंद्र मोदी की साख को धक्का लगा है। लगातार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि जो स्थितियां लोकसभा चुनाव में हैं वैसी ही स्थितियां उपचुनाव में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर खासकर बिहार की स्थितियों पर बात की जाए या तमाम राज्य जहां पर उपचुनाव हुए हैं, चाहे कर्नाटक की बात हो या फिर पंजाब की, स्थितियां बीजेपी के खिलाफ ही जाती हुई दिख रही हैं। तो सवाल यह बनता है कि क्या लोकसभा चुनाव में जिस लहर पर नरेंद्र मोदी सवार थे या बीजेपी जिस मोदी लहर पर सवार थी, क्या वो लहर कमजोर पड़ी है या वो लहर अब खत्म हो चुकी है? सवाल यही बनता है। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि बिहार में जो महागठबंधन कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी की तरफ से बनाया गया था, क्या जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है? इसी पर हम एक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिहार एमपी पंजाब और कर्नाटक के नतीजों का क्या है मतलब? क्या उपचुनाव की अग्नि परीक्षा में पास नहीं हो पाए मोदी? क्या 100 दिन के भीतर ही मोदी का जादू नदारद हुआ? लालू नीतीश की जोड़ी को कैसे मिली कामयाबी? क्या मोदी की साख को धक्का लगा? बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बिहार विधानसभा उपचुनाव के 10 विधानसभा सीटों के नतीजे की पहले बात करें तो लालू नीतीश कांग्रेस महागठबंधन के खाते में जहां 6 सीटें गईं, तो वहीं बीजेपी को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। महागठबंधन में आरजेडी को 3, जेडीयू को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार उपचुनाव में गठबंधन को मिली जीत पर खुशी जताई और कहा कि इन नतीजों से आगे की दिशा तय होगी। चुनाव के नतीजों से सद्भाव की धारा की जीत हुई है और उन्माद की धारा की हार हुई है, और संकेत स्पष्ट है और इसका संदेश भी स्पष्ट है। और इस उपचुनाव में बिहार की जनता ने, मतदाताओं ने स्पष्ट तौर पर अपना मत प्रकट किया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और जो भी प्रत्याशी जीते हैं मैं सबको बधाई देता हूं। बिहार से पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में रहा, लेकिन पहली जीत भाजपा के खाते में गई। हालांकि इस उपचुनाव में लालू नीतीश कांग्रेस महागठबंधन को काफी फायदा मिला है और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्विटर पर अपनी खुशी व्यक्त की है। लालू ने ट्विटर पर लिखा है कि गठबंधन पर जनता की मुहर, ये बिहार की बहुसंख्यक आबादी की जीत है। सामाजिक न्याय के नए एजेंडे एवं विकास के साथ होगी आर्थिक न्याय के युग की शुरुआत। बिहार की मालिक जनता को महागठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए हार्दिक धन्यवाद। देश भर के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में हुई भूल को सुधारा। इस जीत से उत्साहित जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि गठबंधन की जीत होगी और अब इस एजेंडे को पूरे देश में ले जाया जाएगा। इन परिणामों के बारे में हमारा अनुमान जो है वो ज्यादा था, लेकिन कम आया, लेकिन वो जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये सफलता थोड़ी कम मिली है, लेकिन ये देश भर में मैसेज देने के लिए ये काफी है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार उपचुनाव के नतीजे दुखद हैं और इस चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी। लालू जी और नीतीश जी मिले हैं, पहले भी हमने उनके गठबंधन को गंभीरता से लिया था, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में ये चुनाव हुआ है और इस चुनाव में हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। ये पूरी तरह हम प्रदेश के लोग, बिहार प्रदेश के हम सब जितने नेता हैं, ये हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन 10 सीटों में से 8 सीटों पर आगे रही थी, लेकिन महज 100 दिन के भीतर ही उसे आधी सीटें गंवानी पड़ी है। बीजेपी अपनी पुरानी मजबूत सीट भागलपुर और छपरा हार गई है। बात कर्नाटक की 3 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव की जाए तो कांग्रेस को 2 सीटें और बीजेपी केवल 1 ही कमल खिला पाई, तो वहीं मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 में से 2 पर जीत हासिल की, तो कांग्रेस को 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा। पंजाब में भी 2 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव हुए, जिसमें पटियाला सीट पर कांग्रेस और तलवंडी साबो सीट से अकाली दल के नाम रही। 4 राज्यों में हुए विधानसभा के उपचुनावों के नतीजों से साफ हो जाता है
कि इन उपचुनावों में बीजेपी अपना लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिससे कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं मोदी मैजिक का पूरा फायदा नहीं उठा पाई। वहीं बिहार में लालू नीतीश गठबंधन ने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया। वो लालू नीतीश के भविष्य की राजनीति के लिए अच्छा संकेत देता है। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जूझ रहे लालू और नीतीश ने 20 साल पुरानी दुश्मनी को बुलाकर एक मंच पाने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 में से 6 सीटें उनके झोली में गई। ये जीत निश्चित रूप से उनके लिए एक संजीवनी का काम कर सकती है। कैमरामैन जीतू के साथ मैं सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज दिल्ली। तो सवाल बनता है कि क्या बिहार की जनता ने इस गठबंधन को, या इसे कहा जाए महागठबंधन को, स्वीकार किया है? और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि लोकसभा चुनाव में जो लहर बीजेपी की दिख रही थी या नरेंद्र मोदी की जो लहर थी, क्या वो कम हुई है और लोगों का इंटरेस्ट जो है बीजेपी से कम हुआ है? इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बलदेव ठाकुर साहब है जेडीयू की तरफ से, आरसी यादव साहब एलजेपी की, दिनेश सिंह बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मोहम्मद अफजाल साहब हैं राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। दिनेश सिंह जी, आप भी के पास आना चाहता हूं। सबसे पहले, जो इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का था, या जिस लहर की लगातार बात की जाती थी, क्या वो खत्म हुई है? महागठबंधन को जनता ने स्वीकार किया है, क्यों हुई है ये लहर, ये जो इस तरीके की स्थितियां क्यों बनी है? सुमित जी, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आशा और उम्मीद थी, उस आशा और उम्मीद पर वहां की सरकार, जो वहां का स्टेट जो है, खरा नहीं उतरी है। निश्चित तौर पर वहां के हार की समीक्षा की जाएगी। और आपका जो सवाल है, आप सवाल कर रहे हैं कि क्या मोदी का जादू कम हुआ है? एक 10 सीटों से, आप जो 10 सीटों का उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव के परिणाम से आप मोदी जी के जादू को कम और ज्यादा आंकना सही नहीं होगा। नहीं, मैंने उसमें कोई आकलन नहीं किया दिनेश जी, मेरा कोई आकलन नहीं है। आप चर्चा करें, नहीं, मेरा कोई आकलन नहीं है। मैं आपसे उस पर सवाल कर रहा नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या बीजेपी के अंदर इसको लेकर मंथन है, क्या नरेंद्र मोदी के जादू को अब कम आंका जा रहा है? मेरा सीधा सा सवाल है, आप उस पर बात बता सकते हैं कि आप लोग क्या स्पष्टीकरण लेकर चल रहे हैं? मोदी के जादू का कहीं भी कम असर नहीं है, लेकिन उपचुनाव में आप जानते हैं सुमित जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कि कहीं भी इस चुनाव में मोदी जी की एक रैली भी नहीं हुआ है। इवन की केंद्रीय नेतृत्व का एक नेता भी उपचुनाव में नहीं गया है। तो बाई इलेक्शन के इस चुनाव को आप ये मान लीजिए कि मोदी जी का जादू कम हो गया है, इसको मन मानने को तैयार नहीं हूं। चलिए ठीक है, आज मोदी जी का जादू है और ये मोदी जी का जादू दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा, कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, बलदेव ठाकुर साहब, जेडीयू जिस आकलन को कर रही थी, उस आकलन पे आप लोग खरे उतरे हैं। सवाल यही है कि अगर 10 सीटों में से आपने 6 सीटें जीती हैं, वो भी महागठबंधन करके, तो आप इसे अपनी जीत मान रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं? 60-40 का ही तो आंकड़ा है, 40 वाला भी पास होता है, 60% आपके आगे तो फर्स्ट डिवीजन तो आगे, सेकंड वाले में तो वो भी है। नहीं, मैं बड़े आदर से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महागठबंधन हुआ, उस महागठबंधन की लड़ाई नहीं थी। आपको याद होगा और पूरी तरीके से आपको पता है कि बिहार में जिन 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जीती हुई थी, वो उसी के पास थी। और मोदी जी का अगर मैजिक होता तो ये 6 सीटें जो जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो हमारे साथ जीती थी। और अब मोदी के मैजिक से उनको 8 और 9 जीतनी चाहिए थी। तो महागठबंधन की बात नहीं है, ये जल्दी में बहुत कम समय था। और मेरा ये भी मानना है, यहां पर हम मोदी इंपैक्ट की बात क्यों करें, सवाल ये भी है कि नरेंद्र मोदी, एक स्थानीय चुनाव थे, 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, नरेंद्र मोदी वहां जाते नहीं है, वहां जाकर कोई भी प्रचार नहीं करते हैं, कोई बड़ा नेता केंद्र का नहीं पहुंचता है। रामविलास पासवान जरूर गए थे, एलजेपी से मैं जरूर सवाल पूछूंगा, एक सीट आपके पास थी, वो भी आपके हाथ से जरूर चली गई। तो सवाल ये बनता है कि नरेंद्र मोदी का आकलन आप इस हिसाब से क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमने तो नरेंद्र मोदी का किया नहीं, ये तो मीडिया कर रही है। नहीं, सांप्रदायिकता के हिसाब से कहा गया कि जो हमारा जो संगठन, जो हमारा महागठबंधन है, या एलजी उसका आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो सांप्रदायिक ताकतों को सीधा सीधा के ऊपर आप हमला कर रहे थे, बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, उसी उन्हीं की लहर की बात कर रहे थे आप लोग। और खुद लालू प्रसाद यादव की भी कुछ देर टिप्पणी आई, अब तो आपके गठबंधन में भी हैं, जिन्होंने कहा है कि भूल जो है सर, जनता ने सुधार ली है। नहीं, भूल जनता की नहीं है, जनता ने इस महागठबंधन को स्वीकार किया है। और लोकसभा के चुनाव में जो भ्रमित हुई थी जनता, वो यथास्थान पर आई है इस मात्र 1.5 महीने के अंदर।
और जनता ने इस गठबंधन को स्वीकार करते हुए एक बात मैं बड़े आदर से आपको और कहना चाहूंगा कि जिन 10 सीटों पर चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 सीटें जीती हैं उसका निमित्त मात्र नटखटिया जैसी सीट जिस पर लोकसभा के चुनाव में 30,000 वोटों का मार्जिन था भारतीय जनता पार्टी को, वहां मात्र 15,000 वोटों से जीती। और टोटल 4 सीटें अगर देखी जाए तो उन टोटल 4 सीटों में 711 वोटों से जीती। 40,000 वोट भी मार्जिन चारों सीटों का नहीं है। और जनता ने जो गठबंधन को बढ़त दी है उसमें एक एक उम्मीदवार 58,000 वोटों से जीतने का काम करके गया है, तो ये जनता ने स्वीकार किया। आरसी यादव साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको जनता कहीं स्वीकार नहीं किया है, और एलजेपी के हाथ में एक सीट थी उसे आप जीत नहीं पाए और बता रहे हैं कि गठबंधन स्वीकार नहीं। वो भी मैं कारण बताऊंगा, हमारी जो गलती है वो भी मैं बताऊंगा। एक तो ये बाय इलेक्शन जो भी होता है उसमें स्टेट मशीनरी यूज होता है और स्टेट बाय इलेक्शन जीतती है। अगर आप पिछले चुनाव देखें तो लालू जी भी लालू जी भी 18 में से 12 सीट जीते थे, और जनरल इलेक्शन जो हुआ उसमें वो 22 पर सीमित रह गए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जनता इसको तो स्टेट मशीनरी फेल हो गई ना, तो ये तो माना जाएगा। तो अब अमित शाह जो हैं, जो इस वक्त बीजेपी की तरफ से, मैं दिनेश जी से सवाल पूछना चाहूंगा, आपके सहयोगी खुद कह रहे हैं जो गठबंधन है आपके साथ दिनेश सिंह जी, कि जो स्टेट मशीनरी है उसको चुनाव लड़ना था, केंद्र ने ज्यादा हस्तक्षेप इसमें नहीं किया है, तो क्या मान लिया जाए कि अब स्टेट मशीनरी एटलीस्ट बिहार में जो है वो फेल हो रही है, वो जो एक अपना स्ट्रांग पक्ष रखने में कामयाब नहीं थे? आप क्या जज करना चाह रहे थे कि वहां पर जो स्टेट मशीनरी है वो कितना काम करने में कामयाब है? सुमित जी, निश्चित तौर पर आप किसी एक छोटे से टेस्ट के द्वारा आप बोर्ड के एग्जाम का फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन हर टेस्ट आपको एक विचारणी बिंदु जरूर छोड़ता है कि आप में क्या कमियां हैं कि जो आपको मार्क्स से कम मिले। हमको 10 में से 10 मार्क्स तो मिलने चाहिए थे, जिसकी अपेक्षा थी केंद्र को, वो निश्चित तौर पर नहीं मिले हैं। लेकिन जिस बात के लेकर इतरा रहे हैं लोग, दूसरी पार्टी के महागठबंधन वहां ठगबंधन की बात कर रहे हैं, उनको 10 सीट में मात्र 6 सीटें मिली हैं। अगर आप सीट वाइज देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीट उसके पास है, लेकिन निश्चित तौर पर राज्य की हमारी जो इकाई है उसमें क्या कमी रह गई थी, चुनाव का उनका प्रबंधन कहां कम रह गया था, चुनाव का तरीका उनका क्या गड़बड़ रहा, निश्चित तौर पर समीक्षा का विषय है। और एक चीज और समझिए कि जो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का जो एक गठबंधन हुआ है, जिसकी चर्चा ये लोग बार बार कह रहे हैं कि यहां की प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया, आप कैसे इसको कह सकते हैं? आज लालू प्रसाद के उसी कुरूतियों को हटाने के लिए ही लोग जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लोगों ने वहां मौका दिया था, और आज इनको जो सीटें मिली हैं इसीलिए मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर जो सुशासन वहां चलाया था उसका असर वहां धीरे धीरे कम होगा। उसी का असर है कि जो इस तरह के परिणाम आया है। आप आने दीजिए 2015 का चुनाव, जब एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सामने होगा, वो मुख्यमंत्री देखिए आप जेडीयू का होता है कि आरजेडी का होता है, और एक मुख्यमंत्री का पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जब भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे एफर्ट्स लगाएगी और फिर जब परिणाम सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर उस दिन पता चलेगा कि जीत किसकी हुई है। ठीक है अफजल साहब, मैं और ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि आज जो 10 सीटों का चुनाव है इनको इन्होंने समर्थन दे दिया है। चलिए ठीक है अफजल साहब, आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं इन परिस्थितियों का? क्या नरेंद्र मोदी अपना इंपैक्ट छोड़ने में बिहार के लिए कामयाब नहीं हो पाए हैं, और जो उम्मीद थी, क्योंकि जाहिर है बिहार में जो जीत मिली थी बीजेपी को वो दोबारा दोहरा नहीं पाए हैं? अगर इन 10 सीटों की बात की जाए तो क्या मान लिया जाए कि सेमीफाइनल था विधानसभा चुनाव का और आगे कुछ ऐसा ही होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा मैं इस तरह का ये बात नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र भाई का जो जादू है वो है, सर चढ़ के बोलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 10 सीटों के ऊपर अगर उपचुनाव हो रहा है और उन 10 सीटों के ऊपर आप और हम ये सोच ले कि ऐसा कुछ होने वाला है, नरेंद्र भाई वहां कहां गए? नरेंद्र भाई आज देश की राजनीति कर रहे हैं, वो उधर नहीं गए। उन्होंने ये भी देखा कि हमारे स्थानीय कार्यकर्ता भी खड़ा होना चाहिए, स्थानीय कार्यकर्ता को भी आगे बढ़कर किस तरीके से काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ मुस्लिम, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को कहीं ना कहीं इसके लिए वो जो माई जो लफ्ज जो
मुस्लिम और यादव वाला जो था ना, उसको कहीं ना कहीं अंध नीचे अंडर करंट करने की कोशिश की, जो बनाने की कोशिश की गई, वो उसको करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब है। अगर कुछ होता देखिए 40-60 और यानी 6-4 का कोई रेशो ऐसा वो बड़ी बात नहीं है, और ये सब चीजें चेंज हो सकती है, सारे समीकरण चेंज हो सकते हैं, और ये सब ये भाजपा वालों को भी समझना है और ये बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनको ये समझना चाहिए इस चीज को लेके कि ये जनता है और जनता इस सच्चाई को समझती है कि कौन सुशासन देता है कौन कुशासन देता है। अगर लालू प्रसाद यादव जी अगर सुशासन देने वाले होते तो जनता उन्हें उखाड़ के नहीं फेंकती। और आज जो है अगर थोड़ा सा कुछ अगर आगे निकल गए थोड़ा बहुत तो इसके लिए इतराना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना। सवाल यही है बलबीर ठाकुर साहब, सवाल यही है ऐसी कौन सी बड़ी जीत हासिल की गई है अपने बलबूते की अगर बात की जाए जिसके बाद नीतीश कुमार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लालू प्रसाद यादव ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि जनता ने अपनी भूल सुधार ली है, ऐसी कौन सी गलती का खामियाजा जनता भर रही है और ऐसी कौन सी गलती जनता ने कर दी थी और अब कौन सी भूल सुधार ली गई है? सवाल यह है क्योंकि जो रेशो है जिस तरीके से बार बार जिक्र आ रहा है 6-4 के रेशो में इतना फर्क नहीं होता है, डिफरेंस नहीं है, एक तरफ तीन पार्टियों का गठबंधन है और एक तरफ बीजेपी इंडिया गठबंधन जो लेकर चल रही है। सवाल यह है, देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का भी तीन पार्टियों का गठबंधन है, रामविलास पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और यह कहना बड़ा अनुचित होगा कि नीतीश कुमार जी कॉन्फ्रेंस करके कुछ कह रहे हैं। हमने नीतीश कुमार जी कॉन्फ्रेंस को देखा है और आपने भी देखा है, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि इस पर हमारी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन एक संदेश जरूर गया है। मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं कि जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें हमने ना हम इतरा रहे हैं ना हमने कहा कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, हम आशा कर रहे थे कि हमारी 8 और 9 सीटें आएंगी, इतराने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप 15 दिन का अपने, क्योंकि आप पत्रकारिता में हैं, 15 दिन का अगर आप अपने विजुअल देखेंगे, 15 दिन की इनकी भाषणबाजी भारतीय जनता पार्टी की देखेंगे, तो खुद सुशील मोदी जी ने कहा था कि हम 10 में से 9 सीटें निश्चित रूप से हमारी झोली में आएंगी, 6 सीटें हम पहले जीते हुए थे, अब जो है मोदी जी का जादू बोलेगा और हम 10 की 10 सीटें 9-10 सीटें जीतेंगे। तो हम कोई इतरा नहीं रहे हैं, हमारा यह मानना है कि जनता में एक संदेश जाने का काम हुआ है और इस महागठबंधन को जनता ने स्वीकार किया है और वोट ऑफ मार्जिन से भी आप देखेंगे, अगर आप वोट ऑफ मार्जिन से आप जरा चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके देखो ना, आपको चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करते हो कहीं ये अच्छा नहीं। ये सवाल दोनों पार्टियों के लिए है, मैं उस मसले पर भी आऊंगा, लेकिन दिनेश सिंह जी सवाल फिर घूम फिर के वहीं आता है, तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी हैं? और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जो अंतर्कलह है क्या उसका खामियाजा यहां पर भरना पड़ा है बीजेपी को, क्या अंतर्कलह की वजह से? और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि हालात यहां तक आ गए हैं कि जो सीट आप 1990 से नहीं हारे अब आकर आप हार चुके हैं, तो क्या वो इंपैक्ट जो है, जो बीजेपी की एक छवि उभरकर सामने आई थी, लोगों को लगने लगा है कि नहीं वो छवि जो क्रिएट की गई थी वो एक्चुअल में उतनी बड़ी नहीं है? नहीं सुमित जी, बात ये नहीं है। असल में इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या है कि आज जो हम आप चर्चा कर रहे हैं उस उपचुनाव की चर्चा को हम यहां की मोदी सरकार से जोड़ के देख रहे हैं। अगर आज हम इस चर्चा को मोदी सरकार से अलग करके देखें कर दे, इस तरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दिनेश जी सुशील, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ, नहीं नहीं बार बार सुमित जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, चुनाव की बात करते हैं, मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप जो किसे देखे हुए हैं? जो अस्थानी चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ सुमित जी, अभी देखिए जिस तरह की बात मैंने पहले ही निवेदन किया ना कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्टेट यूनिट की कोई कमी रही है, कि हमारे क्या टिकट बंटवारे में कहीं कमी रही या हमारी कोई स्ट्रेटजी बनाने में कोई कमी रही है, क्या हम अपनी बात को जनता के बीच में ले नहीं जा पाए? निश्चित तौर पर कुछ तो कुछ ना कुछ तो कमी रही है कि जिसका ये परिणाम आया कि हमको 9 में से 4 यहां जोड़ना चाहता हूं। दिनेश जी मैं ये सवाल जोड़ना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की हार होती है, बीजेपी कहती है कि बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ने का खामियाजा नीतीश कुमार को भरना पड़ रहा है, तो अब सवाल आपके ऊपर है कि क्या बिहार की जनता ने वो जो गठबंधन आप लोगों ने तोड़ा उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, उसका खामियाजा आप लोगों को भरना पड़ रहा है? नहीं, अगर वो गठबंधन सुमित जी अगर वो गठबंधन तोड़ने का खामियाजा हमको भुगतना पड़ा होता तो लोकसभा चुनाव में क्या हमको इतनी बहुमत से बिहार में सीटें मिलती? इसलिए उस बात को मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। हम स्टेट पर आ गए के प्रश्न में उसका जवाब है। मैं लोकसभा चुनाव को उसके बाद लोकसभा का चुनाव में नहीं जाना चाहता और लोग
मैं और लोकसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव में बिहार राज्य की और दूसरी चीज ये जो चुनाव है ये जो बिहार राज्य के चुनाव का जो परिणाम आया है उसको आप जो एक राज्य के चुनाव पर आप उसका आकलन कीजिए। आप बताएंगे मुझे नहीं चलिए इस तरह का गठबंधन हुआ है अभी जनता की समझ में वो चीजें जल्दी से नहीं आई है। ठीक है ठाकुर साहब ठीक है मेरा ये मानना है मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए ना जी पहले कल तक के नीतीश जी और लालू जी कहां थे और आज नरेंद्र भाई की जब हवा चली तो जो वो भूल गए जो नीतीश भाई जो है ना सुबह से शाम तक लालू भाई की शान में जो कसीदे पढ़ा करते थे आज वो सारे के सारे भूल दिए गए हैं जी। किस लिए कि नरेंद्र भाई की हवा का मुकाबला करना है ये क्षणिक है ये वक्ती तौर पे है इस चीज को आज सबको समझना चाहिए लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है। हाँ ये बीजेपी के लिए एक सोचने का कही जा सकती है। हाँ बस ये मान के चलना चाहिए कि बीजेपी वालों को अब सोचना चाहिए कि भाई हमने कहां गलती की क्योंकि बात यह नरेंद्र भाई ने एक बात जो कही थी उस बात के ऊपर हमें जो है उनको सबको बीजेपी वालों को मान के चलना चाहिए कि नरेंद्र भाई ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करी थी और उस 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात को क्या हम नीचे जमीन तक के पूरे समाज को वो पहुंचा पा रहे हैं नहीं पा रहे ये अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एक मैसेज जरूर जा सकता है कहा जा सकता है कि एक मैसेज जरूर जा रहा है बीजेपी के पास कि क्या वो जो एक छवि क्रिएट की गई थी वो धूमिल हो रही है। सवाल ये भी बनता है और साथ ही साथ सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है तमाम राज्यों की अगर बात की जाए तो वो इंपैक्ट नजर नहीं आया है। इस पर चर्चा करेंगे आऊंगा आपके पास दिनेश जी एक ब्रेक लेना है तुरंत लौटते हैं। तो बिहार समेत तमाम राज्यों के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें क्या बीजेपी का और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की जो साख थी उसको धक्का पहुंचा है और क्या बीजेपी का वो ऑरा खत्म हुआ है जो लोकसभा चुनाव में लेकर बीजेपी चल रही थी और जो दावे किए जा रहे थे उपचुनाव में जीत के वो धूमिल हुए हैं इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी एक बार फिर से आप ही के पास आना चाहता हूं। जंगल राज पार्ट टू का नारा आप लोग लगाते रहे बीजेपी को जो तमाम नेता थे बिहार में तो क्या लोग उस इम्पैक्ट से प्रभावित नहीं हुए हैं या लगातार जो बात आप पहुंचाना चाहते थे लोगों तक वो नहीं पहुंच पाई क्या मेहनत कम रह गई? नहीं दो चीजें हैं सुमित जी देखिए एक तो जो आप चर्चा कर रहे हैं आपके इस प्रश्न का मैं जवाब दूं उसके पहले एक प्रश्न का जवाब मैं और दे दूं अभी जो चर्चा चल रही थी जिस पर मैंने बात अपनी रखनी चाहिए थी क्या आप कह रहे थे कि क्या मोदी का जादू बार बार वो बीच में शब्द आ जाते थे अगर आज मोदी का जादू कहीं से कम हुआ होता अभी कोई हमारे साथी चर्चा भी कर रहे थे जिन लोगों के मोदी की हवा मोदी का तूफान मोदी की सुनामी नजर नहीं आ रही थी उसी का एक परिणाम था कि दो ध्रुव दो कट्टर शत्रु भी एक होकर चुनाव लड़े हैं। देखिए अच्छी बात है ये अच्छे दिन की शुरुआत है सुमित जी ये अच्छे दिन की शुरुआत है कम से कम नरेंद्र भाई मोदी ने दो दुश्मनों को एक दोस्त बना दिया है अच्छी बात है ना। और दूसरे आपके सवाल का जवाब लीजिए कि ये जो बिहार में चुनाव लड़ा गया उपचुनाव लड़ा गया वो विकास के मुद्दे पे वहां चुनाव ही इस बार लोगों ने नहीं लड़ा वहां दिक्कत सबसे ज्यादा क्या है कि जब मोदी जी 2014 का चुनाव लड़ रहे थे जब केंद्र का देश के लिए चुनाव हो रहा था तो समय बिंदु था उस समय मुद्दा था विकास का मुद्दा था सारे जाति धर्म पंथ और मजहब के दीवारें टूट गई थी। आज बिहार में फिर से लोगों ने वही दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। हम सिर्फ अपने जेडीओ के साथी को अपने आरजेडी के साथी को अपने कांग्रेस के साथियों को बताना चाहता हूं कि आप 2014 के चुनाव परिणाम से आपको सीख लेना है। आप इस टेस्ट परीक्षा से इतने ज्यादा उतावले मत हो जाइए सीख ले रही और है। कम से कम कृपा करके बिहार के ऊपर रहम कीजिए और जाति कम से कम जाति मजहब और धर्म की राजनीति का फिर से बीजारोपण मत करिए। भारतीय जनता पार्टी आने दीजिए 2015 भारतीय जनता पार्टी का हमारे घर आपका गुब्बारा फूटा था कहीं नजर नहीं आए ठीक है। हम तो इस उपचुनाव से सीख ले रहे हैं हम निश्चित तौर पर इस उपचुनाव से हम सीख ले रहे हैं कि हमको अपेक्षा के अनुरूप जो सीटें नहीं मिली है उसको हम समीक्षा करेंगे लेकिन आप जो लोगों को बांटकर और सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं उसका परिणाम आपको 2015 के चुनाव में मिलेगा आप निश्चित रूप से ठीक जनता में बिहार की जनता में राजनीति बहुत बड़ी है। ठाकुर साहब मुझे कुछ बोलना बिल्कुल अफजार साहब आता हूं मैं आपके पास। ठाकुर साहब यहां पर जो
इंपैक्ट की बात की जा रही है नरेंद्र मोदी को बार बार, मैं दिनेश जी आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का मैजिक वो बार बार इसलिए आता है कि अब तक लोकसभा चुनाव से लेकर या आगे तक सिर्फ यही बात की गई कि नरेंद्र मोदी जो है इस वक्त पूरा चेहरा बना दिए गए हैं, इसीलिए वो बार बार बात सामने आ जाती है। चलिए बात बलबीर जी के आपके पास आना चाहता हूं ठाकुर साहब, सवाल यही है कि लोगों ने जो एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है कि महागठबंधन एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप लोग क्या इसे ही लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी कुछ देर पहले यहां पर जो है यादव साहब कह रहे थे कि 2009 की अगर स्थितियों की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सबसे आगे थी, लेकिन उसके बाद अगर जो चुनाव दोबारा से हुए, जो विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त एनडीए गठबंधन जो जेडीयू और बीजेपी का था वो आगे था, उसमें आप लोग भी शामिल थे, तो उस वक्त की परिस्थितियां दोबारा क्यों नहीं दोहरा जाएंगी, इस बात की क्या गारंटी है? ठाकुर साहब देखिए, मैं बड़े आदर से आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे ले जाके बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी कि मात्र इस भारतवर्ष में 1980 में मात्र दो सीटें आई, उन्होंने गठबंधन किया, हमारे लोकदल हमारी पार्टी का नाम था, और जब लोग भारतीय जनता पार्टी को हम अछूत नहीं मानते, लोगों का यह कहना होगा हमने 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में काम किया है, लेकिन बड़े आदर से मैं आपको बताना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सुमित जी को भी बताना चाहता हूं कि इन 17 सालों में दिनेश जी को बताना चाहता हूं कि इन 17 सालों में आपकी कामयाबी हमारी देन थी, बिहार में मुख्यमंत्री हमारे थे, सुशासन और कुशासन की जिम्मेवारी भी हमारी थी, बुराई और भलाई की जिम्मेवारी भी हमारी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव छोड़ा है, 2014 के लोकसभा चुनाव में एक काम बता, आपने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद आपने बिहार 2014 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में काम किया है, लोकसभा चुनाव में आपने कहते हैं आपने नीतीश के हमारा पैर पकड़िए, कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आपका इतना हशर खराब क्यों हुआ कि आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा? वास्तविकता ये थी, देखिए वास्तविकता ये थी, आप नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी को इग्नोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को इग्नोर करते हुए एक ही व्यक्ति को इस तरह सुशोभित करने का कार्य किया, इस तरह प्रोजेक्ट करने का कार्य किया, हमारे उस पर आपत्ति थी और हम अलग हुए, उसकी हमें लोकसभा के चुनाव में हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया बिहार के अंदर हमारी पार्टी को उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कामयाब ना हो पाई, और आज हम नहीं करें भारतीय जनता पार्टी एक महीने से ठीक है, ठीक है 24 साल से भागलपुर के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हारी, और आज बिहार की जनता ने बिल्कुल बिल्कुल वो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बिहार की जनता ने 24 साल के बाद भी भागलपुर में चारों खाने भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अफजल साहब, सवाल का जवाब बिल्कुल विनम्र सवाल है मेरा, बहुत मेरा सवाल ये है कि आप प्लीज अपने, मैं आपसे आप एक बात सुनिए, आप एक नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है अफजल साहब, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अफजल साहब, अफजल साहब अपना सवाल बोलिए, सवाल बोलिए, सवाल ये है मेरा आपके माध्यम से, मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताइए एक व्यक्ति नीतीश कुमार की जिद, क्या नरेंद्र भाई ने कभी नीतीश कुमार जी के बारे में एक शब्द कहा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द कहा? और उन्होंने नहीं, सुनिए पहले, सुनिए ना सुनिए, आप सुनिए ना सुनिए, आपके पूरा नीतीश भाई ने एक बात सुनिए, नीतीश भाई ने एक जिद कर, देखिए मेरी बात सुनिए, नीतीश भाई ने एक जिद पकड़ ली कि बस नरेंद्र भाई को अगर नहीं करेंगे तो हमारा गठबंधन आपके साथ है, अगर नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री का अगर आपने वो कर दिया, नियुक्त कर दिया या उसको उसका नाम उनका नाम ले दिया गया
तो हम आपके साथ नहीं है, इसी बात पे तो आपने गठबंधन तोड़ा था ना जी। बिल्कुल गलत। ये चले ठीक है बिल्कुल अच्छा। और उसके बाद जब आपको चारों खाने चित होना पड़ा 2014 में, जब चारों खाने चित होना पड़ा तो वही, और किसी ने इस्तीफा दिया क्या? सिर्फ एक नीतीश भाई ने इस्तीफा दिया, उसके अलावा किसी और ने इस्तीफा नहीं दिया आपका? हमारी पार्टी का मोरल था कि हमने इस्तीफा दिया? मोरल क्या है आपके? मोरल क्या है? मोरल हरवा दिया नीतीश भाई ने? एक बात सुनो, अगर भाजपा के साथ आपका गठबंधन होता आज, एक बात सुनो, आपने मोरल की बात नहीं है, वो भवित है कि रिजेक्ट करके दिया है दलित को के कुशासन के ऊपर आपने, जिसके खिलाफ जीत के आए थे, और आपका मोरल ये कहता है भाजपा के साथ सावधान हुई है। नहीं सावधान अच्छे क्या हुई तो है? नहीं अच्छे दिन जनता के नहीं, आपके दिन अच्छे नहीं आए। दिनेश जी आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए बोलिए। असल में जो लोग आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं अपने जेडीओ के साथी से हम पूछना चाहते हैं, आप जब लालू प्रसाद के कुशासन से मुक्ति होकर और जनता ने वहां नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन को समर्थन दिया था तो किस मुद्दे पर दिया था? लालू प्रसाद यादव के कुरूतियों के नाते, लालू प्रसाद यादव के कुशासन के नाते, और जेडीओ को नरेंद्र मोदी जी जो है वो आपको दानव लगने लगे थे, और आज लालू प्रसाद आपको महामानव लगने लगे हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे है, और जनता ने उसका परिणाम आपको दे दिया है। सिर्फ सुमित जी आपके माध्यम से जरा मैं अपने जेडीओ के साथी से पूछना चाहता हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी आपको इतने अच्छे लग रहे हैं तो उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आप घोषित कर दीजिए। लालू प्रसाद जी 11 साल तक ये जो सवाल है ये तो काफी बड़े फ्रेम में उभर कर सामने आ रहा है। जनता की अदालत को कैसे आप झुठला सकते हैं? ठीक है नहीं ठाकुर साहब मैं दिनेश जी के सवाल में कुछ जोड़ देता हूं। ये सवाल तो उभर कर बार बार आता है, वाइड फ्रेम में अगर देखा जाए, अगर उपचुनाव को मान, अगर सेमीफाइनल माना भी जाए, अब विधानसभा चुनाव 2015 में होने हैं, मैं मानने की बात कर रहा हूं, अगर उनको उपचुनाव माना भी जाए, अगर उनको सेमीफाइनल माना भी जाए, सवाल ये है कि अब वाइड फ्रेम में आने के बाद इस गठबंधन की कितनी ज्यादा उम्र है, सवाल इस पर है। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि जो गठबंधन चल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह जरूर है मुख्यमंत्री को लेकर भी। अब सवाल यह है कि आप लोग जीत रहे हैं, ठीक है, आप 6-4 के रेशो से जीते भी हैं, तो अब आगे की स्थितियां कैसे रहने वाली है? मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? सुमित जी ये कौन तय करेगा? आपकी पार्टी, आपका महागठबंधन, ये कौन तय करता है कि कौन व्यक्ति जीता कौन हारा? जनता तय करती है। और इस महागठबंधन को आज जनता ने अपनी ओर से समर्थन दिया है, और जब चुनाव की बात आएगी, राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं होता। सुमित जी, राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं होता। मैं अपने साथी दिनेश जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, राजनीति में कोई स्थायी शत्रु स्थायी मित्र नहीं होता। 2015 जब आएगा तो वो स्थिति भी देखी जाएगी। अभी हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा कि सेमीफाइनल, लेकिन सुनिए राजनीति का अपना एक धर्म होता है। आज राजनीतिकों पर से जो जनता का विश्वास किया जा रहा है, आप जैसे पार्टी के लोगों की वजह से है। आप किसी से गठबंधन करते हैं, आप 2 दिन पहले मुक्ति के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी, आप सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी आपको बढ़ गए, भ्रष्टाचार के मामले में निकल दिया, आपको सत्ता में बना रहना है, इसलिए आप यदुरप्पा के कोर्ट में जाकर आप बैठ जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाए। आप आज, आपको लालू प्रसाद यादव बहुत ईमानदार दिख रहे हैं, बताइए ना आपके मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव या हो गया है, वो सुशासन था कि कुशासन था? लालू प्रसाद यादव की बात एक तरफ रखे आप, आपने यदुरप्पा को अपनी पार्टी से निकाला भ्रष्टाचार के मामले पर, आपने यदुरप्पा को अपनी पार्टी में वापस लिया। नहीं सवाल ये है कि कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, बट चलिए पहले इस पर वापस आएंगे चर्चा। पहले आज राजनीतिक गलियारे में पूरे उपचुनाव की अगर स्थिति की बात की जाए, नहीं वापस आता हूं मैं सभी के पास, आज राजनीतिक गलियारों में इस उपचुनाव के नतीजों के पास किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं पहले वो सुन लेते हैं, तमाम पार्टियों की किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं वो सुनते हैं। वो सीटों जिन पे चुनाव हुआ दोनों कांग्रेस की सीटें थी। पटियाला हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, पटियाला फैमिली का गढ़ रहा है, और प्रनीत कौर जी ने पटियाला शहर में एक अपनी जगह बनाई हुई है, इसलिए उनका जीतना ये इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं। लेकिन दूसरी सीट जो कांग्रेस की थी अब वो अकाली दल के हिस्से में आ गई है, इससे एक बात साफ है कि अकाली दल उसी तरह
बरकरार है, लोकसभा के बाद लोगों को नजर आई कि हम पीछे जा रहे हैं, वो इस चुनाव के बाद साफ हो गया है। अकाली दल आज भी पंजाब में अपनी जगह उनकी स्थिर है। एक बात सही है कि जो 10 सीटें बिहार में चुनाव में गई थी उसमें लोकसभा के चुनाव में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीड थी, वो सिमट के अब 3-4 सीट पे आ गए हैं, तो ये एक उनके लिए सेटबैक है। और लगता है कि बीजेपी का जो फील गुड फैक्टर था वो उसमें कमी आई है, मगर अभी रिजल्ट भी फाइनल नहीं हुआ है और असेंबली और पार्लियामेंट के चुनाव में अलग अलग मुद्दों पे वोट होता है। लोगों का रुझान जो है अब वो दूसरी तरफ होने लगा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की तरफ। और इसके दो उपचुनाव हुए, एक नहीं, एक तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उत्तराखंड आया जिसमें सभी सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। और आज के भी नतीजे हैं, एक तो बिहार में लगता है कि जो नया प्रयोग हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, जो गठबंधन बना उस गठबंधन को आशातीत सफलता मिली है जो उम्मीद थी, तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। क्योंकि लोकसभा में इसके एकदम विपरीत नतीजे थे और ये सारी पार्टियां साफ हो गई थी, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में इसका नतीजा उलट हुआ। लोकसभा चुनाव के अब विपरीत परिणाम आने लगे, उससे उलट परिणाम आने लगे। इससे साबित होता है कि जो भाजपा के प्रति जो लोगों का रुझान लोकसभा चुनाव के दौरान था वो अब नहीं रहा है। जो परिणाम आया है, परिणाम एनडीए की सेहत के अनुकूल नहीं है। और मेरी समझ से बिहार इकाई एनडीए की ओर से इस चुनाव के संदर्भ में जो रणनीति बनाई गई उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसके चलते हार हुई है। तो मैं इस हार को पूरे तौर पे बिहार इकाई एनडीए की ओर से, जिसमें खुद को भी शामिल करते हुए, इस हार को मैं स्वीकार करता हूं। हार हुई है तो स्वीकारना पड़ेगा। सवाल आरसी यादव साहब आपका भी है, अगर केंद्र की तरफ से कोशिश की जाए या ये सोचा जाए कि बड़े नेता जो हैं स्थानीय चुनाव की वजह से वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन रामविलास पासवान गए थे, उसके बावजूद अपनी एक सीट निकालने में नाकामयाब रहे, उसका क्या कारण है? क्या जनता ने बिल्कुल एलजेपी को अस्वीकार कर दिया? जो कारण है ये मैं बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज हुआ है वहां पर। दूसरी बात, आप चुनाव आयोग पर सवाल, आप सुनिए ना, हम लोगों से भी थोड़ा ये हुआ है। और आप देखिए कि इतिहास में पहली बार हमारे माननीय फूड एंड सप्लाई मंत्री जी रामविलास जी धान और कॉटन का कीमत जो है एक महीना के अंदर बढ़ाया। फिर वो इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखाया ना? आप सुनिए तो, हमको कहने तो दीजिए आप। दूसरी बात, मक्का का भी केंद्र खुला है FCI में। इस चीज को ये NDA के वर्कर लोग पब्लिक के बीच पहुंचाने में नाकाम रहे। एक दूसरी बात, कुछ NDA के स्ट्रेटेजी में भी कमी हुई है। पता नहीं बड़े बड़े नेता, कुछ नेता लोग गए थे NDA के, उनको अभी वहाँ चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर की बात करके वो थोड़ा मतलब नाराजगी पैदा किए हैं, जो NDA का वोटर था उसमें थोड़ी नाराजगी। ठीक है दिनेश जी, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस तरीके से मेरे साथ आरसी यादव साथ LJP की तरफ से बैठे हुए हैं, गठबंधन है आप लोगों का, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, अंतर करह की परिस्थितियां जरूर हैं। सुशील मोदी को एक तबका आपका जो है वो अस्वीकार कर रहा है, उसका नतीजा आप लोगों को भरना पड़ा। नहीं देखिए, हम यही कह रहे हैं बार बार ना, अभी त्वरित निर्णय इस पर नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर आज परिणाम सामने आया है, हमारे अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं आया है। हम बैठकर समीक्षा करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम निश्चित तौर पर समीक्षा करेंगे और हम में कहां कहां कमी रह गई है, किस किस क्षेत्र में कमी रह गई है, हमको और कहां प्रयास करना चाहिए था, ये मैं समझता हूं कि ठीक है। कम से कम 2015 का जो चुनाव होगा उसमें हमको एक सीख मिलेगी ना, इस एक झटके से हमको कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा। और हम बैठकर उसका समीक्षा करेंगे और जो जो भी कमियां होंगी हम उसको पूरी करेंगे। और 2015 का चुनाव देखिएगा, NDA का वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और जो एक गुब्बारे हवा भरकर गुब्बारा उड़ाकर इस तरह से राजनीति और जेडीयू के साथी आज आए हुए हैं, बुझते हुए दीपक कैसे दीपक बुझना होता है ना, एक बार थोड़ा तेजी के साथ जलता है, वही आज इनका हस्त्र हो गया है। जिस तरह से RJD वहां साफ हो गई है 2015 के चुनाव में, RJD कांग्रेस और JDU भी वहां नेस्तना नाबूद हो जाएगी। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। चलिए अफजल साहब, मेरा एक मानना यह है,
आप नहीं, ये ख्याल नहीं है, सुनिए, लेकिन जिस तरह से आपकी वहाँ रहबरी है ना, अगर यही ना खुदा रहेगी, अगर यही रहबरी रहेगी तो हर एक कश्ती किनारे लगकर इसी तरह डूबती रहेगी। अगर इसी तरह का नेतृत्व आप लोग वहाँ देते रहे, इसी तरह का गठबंधन अगर आप देते रहे, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी 2015 के चुनाव में आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। 215 भी देखेंगे। ठीक, मेरा ये मानना है, नहीं नहीं, वो देखिए वहाँ के चुनाव से आपको इसका एहसास दिलाया और आगे भी आपको एहसास दिलाएगी। अब जनता जात धर्म और मजहब में नहीं बटना चाहती है, अब जनता डिलीवरी चाहती है, अब जनता विकास चाहती है, अब जनता जो है विकास के 2015 का जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर होगा, वो सुशासन के मुद्दे पर होगा। जात धर्म और मजहब के नाम पर जाना सीना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं दर्द सही है, मैं मानता हूँ दर्द सही है। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है, आप नतीजे देखिए, नतीजे सामने बिहार के नतीजे नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा इसमें अगर किसी को ये गठबंधन करने के बाद भी अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो जेडीयू को पहुंचा है। फायदा हुआ है आरजेडी को, फायदा हुआ है कांग्रेस को, और बीजेपी 4 है, जेडीयू 2 है, आरजेडी 3 है और कांग्रेस 1 है। आप ये देखिए, असल क्या है, इनको गठबंधन करने से इनको क्या लाभ हुआ? बेसिकली बीजेपी अपना राजनीतिक बात नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं देखिए नहीं राजनीतिक बात है ये आप इस बात को सीरियसली लीजिए कि आपने अगर लालू यादव से दोस्ती की है तो उसका क्या वाकई में आपको फायदा मिला या नुकसान हुआ? फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे, आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। अगर शरद यादव जवाब ले, सुमित जी, सुमित जी, मैं अगर एक सवाल इसमें जोड़ू सिर्फ, चलिए ठीक है, इसमें जोड़ू कि अगर 2014 का जो चुनाव ये लोग लड़ रहे थे, ये चुनाव अलग अलग पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन इनका उस समय भी आंतरिक समझौता था, उसको जनता पूरे देश में नहीं समझ पाई थी, और इस बाई इलेक्शन में तो स्पष्ट हो गया है। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ चुनाव लड़ेगी और बाकी पार्टियों का एक महागठबंधन बना के सामने आएंगे। नहीं, एलजेपी आपके साथ है, देखिएगा कितने इस तरह के भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब एक होकर उस एक सुशासन, एक तरफ सुशासन होगा और दूसरी तरफ कुशासन होंगे और दुशासन के लोग होंगे, और निश्चित तौर पर सुशासन वाली पार्टी से होगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप प्रतीक्षा कीजिए बस। भाजपा को तो इस बात को मान के आपका गठबंधन है, ये बात मान के चलना चाहिए और ये सच्चाई है, और इसको इसको जमीन पर लेकर ही आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी बात, सारी पार्टियां आपके खिलाफ लड़ेंगी, इकट्ठी होकर लड़ेंगी, इसलिए बिहार के लिए आपको फिर से योजना बनानी पड़ेगी। जो 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 इस तरह के कुशासन वाले लोग होते हैं वो संगठित होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे हाथ से सत्ता इस तरह से निकल जाए। आज जो बुरे दिन आने वाले हैं, देश की जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, 125 करोड़ जनता के धीरे धीरे अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन बुरे जो दिन आने वाले हैं वो ऐसे लोगों के आने वाले हैं जो आप देखिएगा, क्योंकि आप दोनों लोगों का भ्रष्टाचार सामने ना आ जाए, आप फिर से सलाखों के पीछे ना जाए, इसलिए आप ये महागठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन आप कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन कामयाब नहीं होगा। चलिए ठाकुर, इस तरह से जो कुशासन के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार के लोग हैं, उनके बुरे दिन निश्चित तौर पर आएंगे मोदी शासन में। चलिए ठीक है ठाकुर साहब, बोलिए। देखिए मैं बड़े अदब से आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में तकरीबन सभी पार्टियों ने अलग अलग अपने ऊपर चुनाव लड़ा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। भीतर से नहीं लड़ा है, आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा। मैं आपको उदाहरण दूं, और भारतीय जनता पार्टी को उसका निश्चित रूप से फायदा हुआ। राजद को बोल दो, लेकिन इस देश की जनता को समाजवादी पार्टी ने, वहाँ कांग्रेस नहीं लड़ी, जहाँ कांग्रेस का परिवार लगा, मुलायम का परिवार लगा, वहाँ सोनिया गांधी का परिवार नहीं लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लड़ा, वहाँ मुलायम का परिवार नहीं लड़ा। ये बात आप कर रहे हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने सब कास्ट है और मोदी जी को, उसको जाके घर घर कांग्रेस अकेले नहीं लड़ पाए, क्योंकि एक बाय प्रोडक्ट आप पार्टी लेके आ गए, लोगों का भ्रमित किया गया, और इन तीन दो महीनों में नहीं किया गया भ्रमित, तो आप लोग करते हो, लोगों को यह एहसास हुआ कितने लोगों को भ्रमित कर देंगे। आप देश की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? जनता के नहीं, हमारे जेजेएनयू के साथ बोल रहे हैं क्या? यार देश के जनता को आप इतना मूर्ख समझ रहे हैं?
भारत के युद्ध में भी जितने भ्रष्टाचारी थे एक हो गए थे, चलिए लेकिन उसमें भी जीत जो है ना, उसमें भी जीत सुशासन की हुई है। ठीक है, जीत जो है सुशासन की, न्याय की हुई है। कौन पूछा सुशासन रखिए, समय चलिए ठीक है ठाकुर साहब, मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहता हूं एक बार। एक नीतीश कुमार की देन थी नहीं यहाँ पर दिनेश जी, सवाल ये है बिहार की परिस्थितियों में, चलिए ठीक है इन तमाम बातों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनसे उनसे सहमत हो सकते हैं कुछ लोग, या हम भी आपकी एक बार के लिए बात मान भी सकते हैं, लेकिन बाकी अगर ठीक है जो बाकी बाकी जो स्टेट है जो बाकी जो स्टेट है वहां पर भी हालात बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं दिनेश जी, आप बोलने तो दीजिए। देखिए दो चीजें हैं सुमित जी, मुझे लगता है जो देखिए किसी राज्य में बाई इलेक्शन होता है, परिपक्व हुआ इसीलिए जो दल की सरकार होती है, क्योंकि वहाँ दो सीट जीतने से मान लीजिए कोई वहाँ परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहता है। जनता ये चाहती थी कि अभी इनको थोड़ा सा मौका दिया जाए, थोड़ा कुशासन ये और करें, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति पैदा हुई है थोड़ी और बदतर हो। 2015 का जब चुनाव हो इसमें ज्यादा इनकी छेछा लेदर हो, मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता बहुत जागरूक हुई है, पहले से जागरूक खुशी महसूस कर रहे हैं। पूरे देश में बिहार की जनता बहुत सोच समझ कर निर्णय दिया है, हमारे और आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ बहुत जीती है बिहार की जनता, और आप जितने और जितने ऊंचाई से आप गिरेंगे आपको चोट कितनी ज्यादा आएगी, तो बिहार की जनता इसलिए जनता ने आपको ऊपर उठाया है, आप गिरेंगे बहुत जल्दी। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपको चोट भी बहुत ज्यादा लगेगी, आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, जैसे देश से आपका पत्ता साफ हुआ है लोकसभा चुनाव में, अभी भी लगे आने वाले समय में बिहार से भी आपका पत्ता साफ होगा, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन आपको नहीं नजर आएगा। ठीक है ठाकुर साहब, अगर 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 ओवरऑल वोटिंग की बात करें, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, आप उठा के देखिए ना। ठीक है ठाकुर साहब, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत अगर वोटिंग प्रतिशत को अगर कंसर्न किया जाए, वोट प्रतिशत को देखिए, वोट प्रतिशत कितना है, वोट फीसदी जो बढ़ा यहाँ पर आया है 45% के आसपास वोटिंग हुई है। सवाल यह है कि अगर 45% वोटिंग हो रही है, यानी 55% जो लोग हैं वोटिंग करने नहीं गए हैं, तो सवाल यह है कि जनता किस ओर जाना चाहती है, इसका आइडेंटिफिकेशन फिर कैसे होगा। देखिए जहाँ 65% मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, 60 से 65% वोट हुआ था और उसके बाद सिर्फ 45% वोट हो रहा है, तो यकीनन जनता उदासीन है, और उसका नतीजा ये है, उसका नतीजा ये है, ये जो नतीजे भी है ना, पूरे भारत सबके लिए बीजेपी सोचने का है, बाकी सब किसी राज्य की जनता है इनके लिए तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जो बैठे उनके लिए तो और भी बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हम कोई सुमित जी खुशी नहीं मना रहे, हाँ से आग आपको बोले, हम तो ये कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि जनता जो है उसके बीच उदासीन है, एक कारण और है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा जी, सुमित जी आप बहुत अच्छा सवाल उठाया, आपका वहाँ आज वोट प्रतिशत रहा है, अगर आप उस पर गौर फरमाइए, आज वहाँ 45 से 46% आप मृत प्रतिशत पड़ा है, वोट पड़ा है, लोकसभा चुनाव में जहाँ 60, 70 और 80% मतदान हुआ था, लोग आगे बढ़कर उत्साहित होकर चुनाव अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग किए थे, आज क्या कारण है कि वहां 45% वोट हो रहा है, इसका मतलब वहां की जनता के बिहार के जनता में इतना उत्साह नहीं था इस चुनाव को लेकर, इस तरह के सवाल ये भी है कि क्या इतने वोटिंग प्रतिशत से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस चुनाव जो हुआ है और सरकारी मशीनरों का वहां दुरुपयोग जिस तरह से, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, यहाँ पर सवाल यही है कि क्या ये जो चुनाव हुआ है इसे सेमीफाइनल माना जाए तमाम विधानसभा चुनावों का, और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या आने वाले चुनाव में अब इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी, क्या बीजेपी के खिलाफ परिस्थितियां जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज सुदर्शन न्यूज का सवाल क्या है वो आपको दिखा देते हैं। क्या सवाल है, क्या बिहार विधानसभा उपचुनाव में वाकई लालू नीतीश गठबंधन की जीत हुई है? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं, जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं, SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUD लिखें, फिर स्पेस दें,
फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 8750047855 नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब कल के शो में रात 9 बजे दिखाया जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज ने कल आपसे जो सवाल पूछा था वो था, क्या मोदी को पाकिस्तान चक्रव्यूह में फंसा रहा है, क्या पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस पर जो ज्यादातर प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है, यानी कि हाँ 82% लोगों का कहना है कि हाँ पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को एक चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहा है, वहीं 18% लोगों का मानना है नहीं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।